भाई साहब, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों, ज़रा इस बात को ध्यान से सुनिए। क्या एक प्रश्न से एक ही प्रश्न बनता है या एक प्रश्न को घुमा फिरा करके 3, 4, 5 प्रश्न बनाए जा सकते हैं? इस बात का जवाब है कि एक प्रश्न से कई प्रश्न बन जाएंगे। जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर जो पहला सवाल बताने वाला हूँ वो त्रिभुज से संबंधित है। अब त्रिभुज से संबंधित है तो वो त्रिभुज का क्या एक ही क्वेश्चन बनता है या उसके जैसा कई क्वेश्चन बनेगा? उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके दूसरे तरह से कैसे पूछा जाएगा, ये बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाली बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार लगातार मिलता रहे। ठीक है, आइए हम अपने सवाल पे आ जाते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में दो को त्रिभुज है एबीसी और पीक्यूआर, तो हम दो त्रिभुज पहले बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। पहला त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। त्रिभुज का स्टाइल नहीं बताया गया, स्टाइल मतलब न समबाहु न समकोण कुछ नहीं बताया गया, ये बताया गया कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, ठीक है, में कोण ए बराबर कोण क्यू, कोण ए बराबर क्या है, कोण क्यू है। ध्यान से सुनिएगा, कोण ए बराबर कोण क्यू। फिर क्या है, कोण बी बराबर कोण आर, कोण बी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण पी। तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर या त्रिभुज बीसी समरूप त्रिभुज क्यूआरपी या त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्यूआरपी या तीनों सत्य है? देखिए भाई, मैं आपको बताता हूँ इस सवाल का आंसर क्या होगा, पहले मैं वो चीज़ बताऊँगा, फिर इसी सवाल को घुमा करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप डरिएगा मत, उसका भी जवाब ऐसे ही दीजिएगा जैसे मैं बताने वाला हूँ। देखिए, पूछा गया है तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो सही विकल्प जानने के लिए मैंने जो ये लिखने का स्टाइल अपनाया है ना, इसी स्टाइल से क्लियर हो जाएगा। क्या, सीधे आप नीचे की तरफ पढ़ो, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, सीधे नीचे की स्टाइल में आइए, क्यू आर पी, क्यू आर पी, ये वाला कथन क्या है, सत्य है। लेकिन अगर तीनों कथन वो सत्य करता, जैसा कि चौथा विकल्प में लिखा है तीनों सही है, तीनों कब सही होगा जरा ऐसे सोचिए। त्रिभुज सी बी ए अगर लिख दें, तो अगर इधर सी बी ए है तो इधर से चलना चाहिए इधर वाला भी, बी पी आर क्यू, यानी त्रिभुज सी बी ए, सी बी ए समरूप त्रिभुज पी आर क्यू, पी आर क्यू, अगर ये विकल्प में दिया जाता तो यह भी सही माना जाता। और दूसरे तरीके से भी ऐसे ऐसे ऐसे, यानी पहले बी तब सी तब ए, यानी त्रिभुज बी सी ए समरूप त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये भी सही है। ऐसे भी हो जाएगा, पहले बी तब ए तब सी, यानी त्रिभुज बी पहले बी तब ए तब सी, बी ए सी समरूप त्रिभुज आर क्यू पी, आर क्यू पी। क्लियर मेरे बच्चों, ये चीज़ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इस नाते एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कभी सवाल में ऐसा भी आ जाएगा कि चार विकल्प में से चारों सत्य है कि नहीं सत्य है, ये कैसे आप बताओगे? तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अभी अभी बताया आपको, ऐसे ही आप डिसाइड करोगे कि सत्य है कि नहीं सत्य है, समझ गए? या तीन गलत दिया जाएगा, इसमें से कोई एक दे दिया जाएगा, ये चारों सत्य है, कोई एक कहीं भी दे दिया जाए तो वो सत्य हो जाएगा, चारों दे दिया जाए तो चारों सत्य हो जाएगा, इसमें से तीन दे दिया जाए और चौथे की जगह लिख दिया जाए कि उपर्युक्त तीनों सत्य है, तो ऐसे आ सकता है। तो परीक्षा मजाक नहीं है, परीक्षा परीक्षा है, और परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र इस बात को गंभीरता से समझें ताकि वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। इसी क्रम में मैं अगले सवाल पर ध्यान आपका आकर्षित करने वाला हूँ, बड़े गौर से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा अगले सवाल में भी। त्रिभुज से संबंधित सवाल पढ़ने के लिए आप लोग बेचैन थे, अब आपकी बेचैनी
की घड़ी रुक गई और मज़ा ही मज़ा आएगा पढ़ने में। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से ए टू जेड नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर इस तरीके से, 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सलूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 8180 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले करके अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सोचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल देखिए, दो नंबर सवाल आज का, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, क्या ABC और DEF दोनों क्या समरूप हैं? तो हम ABC बना लेते हैं और DEF बनाएंगे। अब देखिए, छोटा बनाएंगे साइज में कि बड़ा बनाएंगे, ये जानने के लिए पहले सवाल पूरा पढ़ लो। AB 4, BC 6, CA 9, DE 8, FD की माप ज्ञात कीजिए। तो भाई साइजें बढ़ती जा रही, AB BC CA। चलिए AB कितना है लिख लो, फिगर में लिख लो। AB 4 है और BC 6 है और CA कितना है, 9 सेंटीमीटर है। DE 8 है, यानी ये त्रिभुज DEF जब हम बनाएंगे तो साइज में हम बड़ा बनाएंगे। क्यों बड़ा बनाएंगे? इसका वजह यह है कि AB 4 दिया, DE 8 दिया है, मतलब ठीक इसका यह क्या है, दुगुना है बस। तो इसमें पूछ रहा है तो FD की माप ज्ञात कीजिए, तो FD की माप ज्ञात कीजिए यानी इसका वैल्यू बताना है, इसका जिसको मैं थोड़ा जिगजैग रेखा से रेखांकित कर दे रहा हूँ। मेरी बात को समझिएगा बेटा, बड़ा ही आनंद आएगा इसमें, बड़ा आनंद वाला सवाल है, इतना आसान है। अब देखो इसको कैलकुलेट नहीं करना, फिगर बन गया है, फिगर देखते ही इसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों? पहले हम समरूप त्रिभुज की नियमों को जान लेते हैं। समरूप त्रिभुज के नियम क्या है कि संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। इसमें तीनों भुजा दिया, इसमें केवल एक भुजा दे दिया है। अब क्या करने के लिए एक भुजा दे दिया है, समझने के लिए। संगत भुजाएं समानुपातिक मतलब नीचे नीचे का जो अनुपात है वही अनुपात होना चाहिए साइड साइड का और इस साइड का इस साइड से। मेरी बात समझे? संगत का मतलब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर अगर हम रखें तो इस भुजा के बराबर में कौन रहेगा, ये रहेगा। इस भुजा के बराबर में ये रहेगा, इस भुजा के बराबर में ये रहेगा। तो इन तीनों भुजाओं को संगत कहते हैं। बात समझ गए? अब देखो, AB दिया 4, DE दिया 8। तुम 4 और 8 को देख करके क्या गेस कर रहे हो? जितना ये है इसका दुगुना इसका संगत वाला है, यही ना गेस कर रहे हो? मैं कॉपी पेन का यूज़ नहीं करूँगा, बस समझा रहा हूँ आपको। ये जितना ये है इसका दुगुना ये है। और त्रिभुज समरूप त्रिभुज का रूल होता है,
कि संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, मतलब जो नियम इसमें इसमें लागू है वही नियम इसमें और इसमें लागू होगा, वही नियम इसमें और इसमें लागू होगा, यानी ये चार है तो ये आठ है, ये नौ है तो ये अट्ठारह होगा, दुगुना वाला फर्क है, ये चार का दुगुना आठ, नौ का दुगुना अठारह, छः का दुगुना बारह। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि भाई साहब तुम बता दो मुझे कि यह फटी का माप क्या होगा, तो बी वाला ऑप्शन सही है, यह फटी का माप होगा 18 सेंटीमीटर। लेकिन 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 अगर ये पूछ दिया होता कि ई एफ का मान क्या होगा तो हम इसका दुना करके बता देते, ये पूछ दिया होता कि यह फटी और यह ई में अंतर कितने का है तो 18 12 में 6 का अंतर है, मेरी बात से सहमत हो ना। तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज आप पढ़ रहे हो, समरूप त्रिभुज में बहुत ज़्यादा नियम है, एक एक सवाल जैसे जैसे मिलेगा मैं नियमों को वैसे वैसे बताना शुरू कर दूंगा। वैसे भी मैंने पीछे की दो तीन वीडियो बनाई है, उसमें बहुत सारे नियम बताए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं देख लेंगे, और जो पेड क्लास के बच्चे हैं उनको मैंने इसकी प्लेलिस्ट भेज दिया है, वो उसको जाके देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए, अब ऐसा ही एक सवाल और मैं करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये सवाल किस पर लगा, संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, ये समरूप त्रिभुज का रूल होता है। अगला सवाल देखिए, दो समरूप त्रिभुजों में जब कह दे समरूप त्रिभुज, तो बहुत नियम है, जो नियम लगने लायक रहेगा मैं बताऊंगा। दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी छः बी सी ए बी बी सी सी ए इसमें भी दे दिया, तो पहले एक त्रिभुज बना लो भाई, ए बी सी, ए बी का वैल्यू 6, बी सी का 8, सी ए का दे दिया 12 सेंटीमीटर में है सब, और त्रिभुज पी क्यू आर भी बनाना है लेकिन पी क्यू 9 है। अरे भाई ऐसे थोड़ा बड़ा साइज बनेगा, क्यों बड़ा साइज बनेगा बताऊंगा, पी क्यू 9 दे दिया गया और ये है आर, पी क्यू आर, पी क्यू 9 दे दिया गया, तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा। अरे भाई साहब बहुत अच्छा सवाल, जो कॉन्सेप्ट मैं पिछले सवाल में लगाया हूँ वही इसमें भी लगेगा, कैसे देखो पूछ क्या रहा है, पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा, यानी इसके तीनों भुजाओं के मापों का योगफल क्या होगा, यानी ये प्लस ये जोड़ने पर कितना आएगा ये पूछ रहा है। परिमाप का मतलब यही ना हुआ, किनारे किनारे का माप, क्लियर। देखिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेंगे क्या, इसको और इसको कंपेयर कीजिए, संगत भुजा है ना, इसमें और इसमें कितने का फर्क है, इसका ये कितना गुना है, डेढ़ गुना, कितना गुना, डेढ़ गुना, 6 डेढ़ 9, तो इसका डेढ़ गुना ये हो जाएगा, 8 का डेढ़ गुना 12 होता है, 12 का डेढ़ गुना कितना होता है, 18 होता है, समझ गए ना। अब हम तीनों को जोड़ लेंगे आपस में तो परिमाप आ जाएगा, तो 18 12 30, 30 में 9 जोड़ेंगे 39, तो परिमाप हमारा आ गया कितना, 39, किसका, पी क्यू आर का परिमाप, पी क्यू आर का त्रिभुज, पी क्यू आर का परिमाप बराबर 39 सेंटीमीटर। कौन से विकल्प में है मेरे लाल, जरा देखें, ऑप्शन नंबर डी में है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ज़्यादा 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 सुपर है, आप इसको आखिरी तक देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा महसूस हो रहा है। हम त्रिभुज का 50 सवाल बताएंगे, 5 अंगुली उठा रहे हैं, मल्टीप्लाई 10 का कर दो, तो 50 सवाल बताएंगे, कौन कौन तैयार है पढ़ने के लिए, जो जो तैयार है वो कमेंट करके बताएगा। थैंक यू।